और मेरे जिगर के टुकड़े कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस एडिटिंग वीडियो में हम आप लोग को खुद के ही फोटो पे एक डेंजर और डेविल कॉन्सेप्ट पे फोटो एडिटिंग सिखाने वाले हैं, जो दिखने में कितना भयानक दिख रहा है आप लोग यहाँ पे खुद देख सकते हो। और इसका ओरिजिनल फोटो की बात करो तो यार कितना खराब है आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हो। और इस तरह का एडिटिंग सीख कर अपने फोटो पे करना चाहते हो तो आप लोग बहुत ही सही जगह पे आए हो, क्योंकि आज आपका भाई बहुत ही कम टाइम और बहुत ही आसान तरीका से इस तरह का डेंजर फोटो एडिटिंग सिखा देगा, वो भी पिक्सार्ट और लाइटरूम एप्लीकेशन के मदद से। तो यदि आप लोग इस तरह का एडिटिंग सीखना चाहते हो तो प्लीज आप लोग वीडियो को कंप्लीट करें, जरा सा भी मिस नहीं करना है। और यदि आप लोग को एडिटिंग पसंद आए उसके बाद वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए ज्यादा बात न करते हुए एडिटिंग को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले क्या करेंगे, अपना पिकार्ट एप्लीकेशन में अपना फोटो को ऐड कर लेंगे, जो भी फोटो को एडिट करनी होगी। जैसा कि आप लोग देख सकते हो कि मैंने अपना फोटो को यहाँ पे पिकार्ट एप्लीकेशन में ऐड कर लिया है। और ऐड करने के बाद अभी आप लोग को क्या क्या करना होगा आप लोग ध्यान से देखते रहिए और ध्यान से समझते रहिए। तो सबसे पहले जाएंगे ऐड फोटो वाले ऑप्शन पे और यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम बैकग्राउंड को ऐड कर लिए हैं और ऐड करने के बाद बैकग्राउंड का साइज जो है पूरा यहाँ पे जूम कर लेंगे अपने फोटो के अकॉर्डिंग, पूरा कर लीजिएगा। ठीक है भाई, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद अभी आप लोग को क्या करना है, ऊपर में आप लोग को इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, सिंपली वहां पे क्लिक कर देंगे और क्लिक करने के बाद यहां से कर देंगे इनवर्ट। ठीक है, इनवर्ट कर देंगे और यहां पे रेस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहां पे हार्डनेस को अभी पूरा यहां पे 100 कर देना है और साइज को छोटा या फिर बड़ा अपने अकॉर्डिंग करते रहिएगा, जैसा साइज वैसा। ठीक है, और मैं एक बात बता दूं आप लोगों को कि आप लोग चाहो तो कोई वेबसाइट या फिर कोई ऐप से एक क्लिक में बैकग्राउंड को रिमूव कर सकते हो, लेकिन यहां पे मेरे को बहुत अच्छा लगता है बैकग्राउंड रिमूव करने में, तो मैं यही से करता हूं। ठीक है, उसके बाद अपने फोटो को जितना ज्यादा जूम हो सके उतना ज्यादा जूम कर लीजिएगा और अपने मॉडल यानी अपना बॉडी को छोड़ के अपने बैकग्राउंड में इसको अप्लाई करेंगे, सिर्फ और सिर्फ अपने बैकग्राउंड में। तो ये करने से फोटो का जो बैकग्राउंड है वो एकदम अच्छे तरह से चेंज हो जाएगा। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं ताकि वीडियो हमारा ज्यादा लंबा ना हो, तो थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ठीक है भाई, आप लोग ध्यान से देखते रहिए। और अपने बाल के साइड में क्या करना होगा आप लोग ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे आप लोग को रजिस्टर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और यहाँ पे ओपेसिटी को कम कर देंगे और यहाँ पे हार्डनेस को भी कम कर देंगे। ठीक है, और साइज को हल्का बढ़ा देते हैं और इतना करने के बाद अपने बाल के साइड साइड में कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे तो ऐसा पता नहीं चलेगा कि बाल मतलब कटा हुआ है। ठीक है, नेचुरल ही रहेगा। ठीक है, और बाल के अंदर में थोड़ा थोड़ा व्हाइट अगर रह जाता है तो वो बाद में ठीक कर लूँगा, वो आप लोग ध्यान से देखते रहिए। ठीक है भाई, तो यहाँ पे बाल के अंदर में थोड़ा थोड़ा रह गया, वो बाद में ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलिए इतना कर लेंगे। और इतना करने के बाद अभी यहाँ पे देख सकते हो आप लोग बैकग्राउंड एकदम अच्छे तरह से चेंज हो चुका है। और इतना करने के बाद इसको सेव करने के लिए यहाँ से करेंगे डन, और डन करने के बाद अभी आप लोग को फिर से ऊपर में कोने में डन का ऑप्शन मिलता है, यहाँ से इसको कर देंगे डन। ठीक है, डन कर देंगे और डन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे बैकग्राउंड एकदम अच्छी तरह से चेंज हो चुका है। उसके बाद अभी आप लोग क्या करना है, यहाँ पे रोटर्स वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ पे जाने के बाद एक आप लोग को स्मूथ का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऑटो पे ऑलरेडी क्लिक रहेगा, नहीं रहेगा तो ऑटो पे क्लिक कर लीजिएगा और आपका डाटा ऑन रहना चाहिए। ठीक है, तो ये ऑटो करके मतलब फेस को स्मूथ कर देगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे स्मूथ का जो ओपेसिटी है पूरा यहाँ पे कर देंगे इसको 100। ठीक है, 100 कर देंगे, फुल कर देंगे तो फेस थोड़ा स्मूथ हो जाएगा तो अच्छा लगेगा। उसके बाद फिर से इसको डन कर देना है और डन करने के बाद एक बार और यहाँ से आप लोगों को कर देना है डन। ठीक है, उसके बाद अभी क्या करेंगे, फेस को हल्का गोरा करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे गोरा करने के लिए आप लोग क्या करना होगा, फिर से आप लोग को एफएक्स वाले ऑप्शन पे ही यहाँ पे एफएक्स वाले ऑप्शन पे नहीं, रेडस वाले ऑप्शन पे ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे स्किन टोन का ऑप्शन मिल जाता है, सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और सबसे पहला वाला जो कलर है स्किन का कलर वो सिलेक्ट करके और यहाँ पे क्या करेंगे, फिर से ऑटो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, ये रहा ऑटो का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक कर देंगे, डाटा आपका ऑन रहना चाहिए, ध्यान रहे। ठीक है, और यहाँ इसका अमाउंट को आप लोग कुछ इस तरह से कम कर देना है, ज़्यादा व्हाइट हो जाए तो कम कर दीजिएगा। उसके बाद फिर से आप लोग कर देना है डन, और डन करने के बाद आप लोग को फिर से इसको सेव करने के लिए यहाँ से करना होगा डन। तो ये काम जो किए रहिएगा वो सेव हो जाएगा। उसके बाद अभी आप लोग क्या करना होगा, यहाँ पे टूल्स वाले ऑप्शन पे जाना है और टूल्स वाले ऑप्शन पे जाने के बाद अभी जाएंगे एडजस्ट वाले ऑप्शन पे। ठीक है भाई, एडजस्ट में चले जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, अभी हम कॉन्ट्रेस्ट को हल्का बढ़ा देंगे। ठीक है, यहाँ पे कॉन्ट्रेस्ट को हल्का बढ़ा देंगे, जैसे कि +38 के राउंड या फिर 40 के राउंड, और इतना काम कर देंगे। उसके बाद फिर से आप लोगों को कर देना है डन, और डन करने के बाद देख सकते हो अब तक काम इतना हो चुका है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे जाने के बाद अभी क्या करना है, इसमें PNG सबको ऐड करना है। ठीक है, और मैं बता दूं कि जो भी PNG बैकग्राउंड का यूज़ किया उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले फायर PNG को ले लेते हैं। ठीक है, मतलब ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद इसको कैसे एडजस्ट करना है एकदम अच्छी तरह से आप लोग अभी तो बिल्कुल ध्यान से देखते रहिए। ठीक है भाई, और यहाँ पे सबसे पहले हम पहाड़ में आग लगाएंगे पीछे, तो यहाँ पे पहाड़ के साइड में कुछ इस तरह से रख देंगे यहाँ पे, और रखने के बाद इसको एडजस्ट कैसे करना है अभी आप लोग को बताते हैं हम। तो यहाँ पे रख दिए हैं और रखने के बाद क्या करना है, अभी ऊपर आप लोग को इरेज का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद अभी आप लोग को क्या करना है, आप लोग को यहाँ से कर देना है इनवर्ट, और इनवर्ट करने के बाद यहाँ से कर देंगे रीस्टोर और यहाँ पे इसका मतलब जो है हार्डनेस को रख देंगे 97 और साइज को छोटा कर लेंगे और इसको अपने मॉडल के बैकग्राउंड में अप्लाई करना है। ठीक है, अपना फेस पे या फिर अपना बाल अपना कपड़ा पे अप्लाई नहीं कीजिएगा, नहीं तो ये भी ख़राब हो जाएगा। ठीक है, तो एकदम आराम आराम से कीजिएगा।
और इसको कैसे कैसे करना है आप लोग ध्यान से ही देखते रहिए, क्योंकि अगर ये नहीं सीखते हैं तो आप लोग फायर फोटो एडिटिंग अच्छे तरह से एडिट नहीं कर पाएंगे। ठीक है भाई, तो चलिए हम इसको भी थोड़ा जल्दी जल्दी में पूरा कर लेते हैं। और ये काम कर लेने के बाद फायर पीएनजी को नीचे से मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, इरेज वाले ऑप्शन पे जाना है, और यहाँ पे जाने के बाद अभी फिर से क्लिक करेंगे और हार्डनेस को यहाँ पे 50 क्राउन रख देंगे। ठीक है भाई, इतना काम कर लेंगे और साइज़ को हल्का बढ़ा दीजिएगा और फायर के नीचे साइड से कुछ इस तरह से अप्लाई करेंगे तो फायर यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब नीचे से जुड़ा हुआ पता नहीं चलेगा। ठीक है भाई, उसके बाद इसको दूसरे साइड में लगाना है, तो आप लोग को पहले यहाँ से कर देना है डन। डन करेंगे और डन करने के बाद अभी आप लोग को ऊपर यहाँ पे लेयर का ऑप्शन मिल जाता है, जैसा कि देख सकते हो ये रहा लेयर का ऑप्शन, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो दो पीएनजी यहाँ पे आ जाएगा और उसको उसी तरह जैसे मैंने वो फायर पीएनजी को जैसे ऐड किया है सेम टू सेम, मतलब इसको भी वैसा ही ऐड करेंगे। ठीक है भाई, और यहाँ पे इरेज वाले ऑप्शन पे जाएंगे और जाने के बाद फिर से क्या करेंगे आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे आप लोग क्या करना है, इस बार इरेज वाले ऑप्शन पे जाके यहाँ पे हार्डनेस को रख देंगे कुछ इस तरह से 93 के राउंड, और यहाँ पे क्या करना है अपना बॉडी पे जो आ जाएगा उसको हटा लेंगे और ऊपर से भी हल्का हल्का आ गया तो उसको भी हटा लेंगे और हार्डनेस को हल्का और कम कर लेते हैं। ठीक है भाई, और मैं बता दूं कि फायर पीएनजी के आप लोग जहाँ जहाँ रखना चाहते हो, अपने कपड़ा पे भी रखना चाहते हो या फिर जिस बैकग्राउंड में जिस जगह पर रखना चाहते हो उस जगह पर कुछ ऐसे करके आप लोग को एड कर देना है। ठीक है भाई, तो चलिए हम थोड़ा जल्दी जल्दी में हर जगह पर लगा लेता हूँ, नहीं तो वीडियो हमारा ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो आप लोग देख नहीं पाओगे, उसके बाद यहाँ से कर देंगे डन। तो चलिए हम इसको थोड़ा जल्दी जल्दी में कर लेते हैं। ठीक है, और जहाँ जहाँ पे फायर पीएनजी को हमें लगाना था वहाँ पे लगा लिए, उसके बाद इसको सेव करने के लिए यहाँ से कर देंगे डन, और डन कर देंगे तो ये पीएनजी सब सेव हो जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद अभी आप लोग क्या करना है देख सकते हो, यहाँ पे इस फोटो में सिंह को लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाएंगे और एड फोटो में सॉरी पहले यहाँ पे क्रैक पीएनजी को ले लेते हैं। ठीक है, क्रैक पीएनजी को ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद इसको फेस पे रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे फेस पे रख देंगे तो ऐसा फील देगा कि फोटो मतलब फेस जो है हमारा फटा हुआ है। ठीक है, तो ये अच्छा लगता है मतलब विलन फोटो एडिटिंग में। ठीक है भाई, इतना काम कर लेंगे, उसके बाद फिर से यहाँ से इसको सेव करने के लिए कर देना है डन। और डन करने के बाद अभी आप लोग को फिर से एड फोटो वाले ऑप्शन पे जाना है और यहाँ से जाने के बाद अभी हम दूसरा पीएनजी को लेंगे, ये जो सिंह वाला पीएनजी, सिंपली ये पीएनजी को लेके और अपने बाल के साइड में लगा लीजिएगा तो ये काफ़ी गर्दा लुक देता है, मतलब भयंकर लुक देता है। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से रख देंगे और रखने के बाद इसको भी मिलाना है, तो इसको मिलाने के लिए ऊपर आप लोग को इरेज वाला ऑप्शन मिल जाएगा तो वहाँ पे क्लिक करके और नीचे साइड से इसको क्या करेंगे, पहले इरेज वाले ऑप्शन पे जाके हार्डनेस को कम कर लेंगे और इसको नीचे साइड से हल्का इरेज कर लेंगे दोनों को। ठीक है, यहाँ पे इरेज कर लेंगे और इरेज करने के बाद अभी आप लोग को क्या करना होगा, फिर से आप लोग को ऊपर डन वाले ऑप्शन से इसको भी कर देना है सेव। तो यहाँ पे इसको कर देते हैं सेव। ठीक है, तो यहाँ से इसको फिर से कर देंगे डन। ठीक है, इतना सारा काम हो चुका है और इतना सारा काम हो जाने के बाद अभी क्या करेंगे, हम इस फोटो को पिक्सार्ट एप्लीकेशन से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो डाउनलोड करके यहाँ पे डाउनलोड कैसे करना है अभी आप लोग को बता दूँ, तो यहाँ पे ये रहा सेव का ऑप्शन, तो सिंपली यहाँ से सेव करेंगे तो फोटो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। ठीक है भाई, उसके बाद आप लोग को हम डायरेक्ट गैलरी से दिखाते हैं क्या करना होगा, उसके बाद लाइटरूम एप्लीकेशन में इसको शेयर करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम गैलरी में चले आया है और गैलरी में आने के बाद आप लोग को गैलरी से शेयर वाला ऑप्शन मिल जाता है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे शेयर वाले ऑप्शन पे और शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करते ही आप लोग को इस फोटो को शेयर कर देना है लाइटरूम एप्लीकेशन के अंदर। ठीक है, तो ये रहा लाइटरूम एप्लीकेशन, सिंपली हम इसमें इस फोटो को ऐड कर लेंगे। ठीक है, ऐड कर लेंगे और ऐड करने के बाद अभी आप लोग क्या करना होगा, अपना लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन करना है, तो मैं डायरेक्ट लाइटरूम एप्लीकेशन को ओपन ही कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे ओपन कर लिया और ओपन करने के बाद सबसे ऊपर आप लोग को ऑल फोटो पे ये फोटो अभी आ जाएगा। ठीक है, जो फोटो वहाँ गैलरी से शेयर किया रहेगा वो आ जाएगा, उसके बाद उस फोटो को यहाँ पे कर लेंगे ओपन और ओपन करने के बाद अभी आप लोग को क्या क्या करना होगा आप लोग ध्यान से देखते रहिए, तभी अच्छा समझ पाएंगे, तभी कलर करेक्शन कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसका क्या करेंगे, लाइट वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पे क्या करेंगे कॉन्ट्रेस्ट को हल्का बढ़ा देंगे, जैसे कि +41 के राउंड, और यहाँ पे क्या करेंगे हाईलाइट को भी हल्का बढ़ाएंगे, मतलब जितना पे अच्छा लगे उतना, तो हाईलाइट को हम कुछ इस तरह से कर देते हैं 24 और यहाँ पे एक्सपोजर को हल्का माइनस करेंगे, जैसे कि माइनस करेंगे। ठीक है भाई, उसके बाद यहाँ पे शैडोज को क्या करेंगे, शैडोज को भी माइनस करेंगे -10 के राउंड, इतना काम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक को बढ़ा देंगे हल्का, जैसे कि +6 के राउंड। ठीक है, इतना सारा काम हो जाएगा। उसके बाद अभी आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे जाना है और कलर वाले ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे ऊपर टेम्परेचर को हल्का माइनस करेंगे कुछ इस तरह से, -10 या फिर 9% कर दीजिएगा तो चलेगा। ठीक है भाई, इतना सारा काम हो चुका है। उसके बाद अभी आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पे, तभी एकदम अच्छे तरह से समझ पाएंगे, मैं पहले से ही बता रहा हूँ। तो यहाँ पे मिक्स टूल का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्या करना होगा आप लोग को यहाँ पे भी ध्यान से देखना है, तो यहाँ पे स्काई ब्लू वाले कलर को यहाँ पे ह्यू को कर देंगे -100 कर दीजिएगा तो भी चलेगा। उसके बाद अभी आप लोग को रेड कलर पे जाके और यहाँ पे ह्यू को कुछ इस तरह से बढ़ा देंगे +24 के राउंड। ठीक है, इतना काम कर लेंगे
और इतना काम करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ से कर देना है फिर से डन, ठीक है, डन कर देंगे। और डन करने के बाद अभी आप लोग को यहाँ पे इफेक्ट ऑप्शन पे चले जाना है और यहाँ पे क्लियरिटी को हल्का बढ़ा देंगे, और क्लियरिटी को बढ़ाने के बाद दहेज को भी हल्का बढ़ा देंगे, और यहाँ पे विग्नेट को हल्का माइनस करेंगे कुछ इस तरह से -17 के अराउंड, इतना काम कर लेंगे। और इतना काम करने के बाद अभी आप लोगों को क्या करना होगा, आप लोग को फिर से आप लोगों को कलर वाले ऑप्शन पे ही जाना है, ठीक है। तो ये रहा आप लोगों को कलर का ऑप्शन, जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, तो आप लोग को फिर से कलर वाले ऑप्शन पे चले जाना है, ठीक है। तो यहाँ से कलर वाले ऑप्शन पे चले जाते हैं और यहाँ पे अभी जाएंगे गार्डन वाले ऑप्शन पे, ठीक है, गार्डनिंग वाले ऑप्शन पे। यहाँ पे जाने के बाद आप लोग नीचे देख सकते हो, यहाँ पे शेडोज वाले ऑप्शन पे, ये पहला वाला ऑप्शन है शेडोज का, और यहाँ पे इस छोटा सा बिंदु को ब्लू की ओर हल्का घुमा देंगे, ठीक है। तो फोटो में हल्का ब्लू टोन आ जाएगा तो काफ़ी अच्छा लगेगा, ठीक है। हल्का ही रखना है इसको, ज़्यादा नहीं रखना है, ठीक है भाई। इतना सारा काम हो जाएगा, उसके बाद इसको यहाँ से कर देंगे डन। तो यहाँ पे जो भी काम किए रहिएगा वो एकदम अच्छे तरह से सेव हो जाएगा, ठीक है भाई। उसके बाद देख सकते हो फाइनली यहाँ पे बिफोर और यहाँ पे आफ्टर लाइटरूम में कलर करेक्शन करने के बाद फोटो कितना ज़्यादा अच्छा हो चुका है। उसके बाद क्या करना है, फाइनली देख सकते हो यहाँ पे फोटो एडिटिंग एकदम अच्छी तरह से कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद बारी आती है इस फोटो को गैलरी में सेव करने का। तो सेव करने का ऑप्शन बहुत ही सिंपल है, ठीक है, सिंपल है, मतलब हर कोई जानता भी, अगर आप लोग नहीं जानते हो तो मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग को सबसे ऊपर देख सकते हो, ये रहा बीच में शेयर का ऑप्शन, यहाँ पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे सेव टू डिवाइस के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, तो ये फोटो बेस्ट क्वालिटी में गैलरी में सेव होकर आ जाएगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को ये एडिटिंग एकदम अच्छी तरह समझ में आ गई होगी, और यदि आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में।